रेलवे 26 जून को एक नई ट्रेन का संचालन शुरू करेगी। यह एक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन होगी जिसकी शुरुआत इस महीने होने जा रही है। इस वीडियो में हम इस ट्रेन की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल IRCTC की ओर से यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटन स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। सात ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को इस ट्रेन का सुविधा उपलब्ध कराया गया है और इस ट्रेन में काफ़ी सारी फैसिलिटी मौजूद रहेगा। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, द्वारका, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर के साथ साथ दो अन्य ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कराया जाएगा। श्रद्धालुओं को यह सुविधा 26 जून से लेकर 8 जुलाई तक यानी कि 12 रात और 13 दिनों का मिलेगा। इस यात्रा पैकेज में सेकेंड AC, थर्ड AC और स्लीपर क्लास का कोच कंपोजिशन लगा दिया गया है, जिसमें कि सुविधाओं के तौर पर यात्रा में आपको नाश्ता व दोपहर का भोजन के साथ साथ रात का शाकाहारी भोजन की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। भारत गौरव पर्यटन स्पेशल ट्रेन जो कि 26 जून से चलने जा रही है, इस ट्रेन का बुकिंग भी जल्द चालू किया जाएगा। बुकिंग का सुविधा IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उठा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे काउंटर से भी आप इसका टिकट ले सकते हैं। यह ट्रेन गोरखपुर से खुलने के बाद कप्तानगंज, थावे, सिवान, छपरा, बनारस, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, उड़ई, झांसी, ललितपुर व बीना होकर चलेगी। लखनऊ स्थित IRCTC कार्यालय व IRCTC की वेबसाइट पर इस ट्रेन का ऑनलाइन सुविधा शुरू हो चुका है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।